शारदा किचन में मैं बबीता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं उत्पम। आइए देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमने 2 कप सूजी ली है। इसको हमने आधा घंटे पहले भिगो दिया था और नमक डाल दिया थोड़ा सा। और हमने टमाटर लिया है कटे हुए, दो बारीक कटे हुए प्याज छोटे, थोड़ा सा पनीर, शिमला मिर्च, थोड़ी सी लाल शिमला मिर्च, धनिया कटा हुआ, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक। नमक हमने इसमें भी डाला था, इसलिए थोड़ा लेंगे। और तड़के के लिए कड़ी पत्ता और सरसों और रिफाइंड। चलिए फ्रेंड्स बनाने शुरू करते हैं उत्पम। हमने ये सूजी की ली है, अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़े से बचा लेंगे, प्याज थोड़े थोड़े हमें ऊपर लगाने के लिए बचा लेंगे, शिमला मिर्च, धनिया और मिर्च और नमक। और आधा पनीर। अभी हम उसको अच्छी तरह मिला देंगे। मिक्स करते समय इसमें मीठा सोडा डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको पानी कम लग रहा था तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, ऐसा ही चाहिए हमें अपना फन बनाने के लिए। अब हम तड़का पैन लेंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे रिफाइंड, और सूखा इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे सूखा जो मैंने लिया था, और सरसों। डाल देंगे एक कटोरी दही डालेंगे, 2 कटोरी सूजी ली थी और 1 कटोरी दही डालेंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और 10 मिनट तक इसको रेस्ट कराएंगे। थोड़ा 10 मिनट तक ये फूल जाएगा अच्छी तरह से, फिर हम इसको उत्पम बनाएंगे। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं इसमें दही डालने के बाद, और हमारा ये बैटर ऐसे ही चाहिए। चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं उत्तम। 1 चम्मच तेल डालेंगे इसके लिए, और अपना बैटर डालेंगे। हमें जितना बड़ा उत्तम चाहिए उसके लिए इतना ही बैटर डालेंगे। और आज को धीमी रखेंगे। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे, इससे हमारा एकदम अच्छी तरह पक जाएगा। थोड़ा सा हमारा ढक्कन लगा है, अभी हम इसमें अपना कटी हुई जो हमने सारी सब्जी बचाई थी वो लगा देंगे, पनीर, शिमला मिर्च, टमाटर, देंगे और धीमी धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारे उत्पम को 2 मिनट हो चुके हैं, हम खोल के देखते हैं। अब इसे पलटेंगे। कितना अच्छा लग रहा है, पक चुका है हमारा।
चलिए हम इसे डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा हमारा पान। बच्चों के लिए मैं आपको मिनी पिज्जा बनाना सिखाऊंगी कि बच्चे को हम कैसे टिफिन में बांध के दे सकते हैं। आंच को स्लो रखेंगे, क्योंकि ये बच्चों के लिए है इसलिए हम थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देंगे। जिसका मुंह बना दिया, जिसकी नोज बना, और इसकी आईज। बच्चे बड़े ही खुश होकर खाते हैं इसको। इस बहाने से ही वो सब्जियां भी खा लेते हैं, हरी सब्जियां, और उनको बहुत टेस्टी लगता है। कितना अच्छा आपका मन के तैयार हुआ है हमारे बच्चों के लिए। अब आप इसे टिफिन में, लंच बॉक्स में, किसी भी मान सकते हैं। अभी इसको रख देंगे। इसी तरह आप उत्पम बना सकते हैं। मिनी उत्पम बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, उनके टिफिन में भी बांध सकते हैं, और बड़े उत्पम बड़ों को सबको बहुत अच्छे लगते हैं। खाने के लिए नाश्ते में हर जगह हर समय खा सकते हैं। इसे सेजवान चटनी और किसी भी चटनी या नारियल की चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।